नीट वालों ने भी क्या किया था, सिलेबस रिड्यूस किया था, जे मेंस का भी सिलेबस रिड्यूस होना ये पक्का था, बस खबर एकदम पक्की नहीं थी कि कब रिलीज होगा कब नहीं होगा। तो आज सुबह सारे जो कन्फ्यूजन्स थे वो सारे कन्फ्यूजन्स क्या हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। तो फाइनली हम लोगों का नया अपडेटेड सिलेबस आ गया है और एग्जाम का फॉर्म कब से भरा जाएगा ये भी आ चुका है। चलिए उसी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं देख लेता हूँ कुछ अगर गड़बड़ तो नहीं है। ओके ओके नमस्ते बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं कि बाबा एग्जाम का अपना डेट कब से। तो यहाँ से हम लोग ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो तो एग्जाम का जो फॉर्म भरा जाएगा एग्जाम का जो फॉर्म भरा जाएगा फर्स्ट सेशन के लिए, जेईई मेंस का एग्जाम दो सेशन में होता है, तो फर्स्ट सेशन आ गया है। फर्स्ट सेशन कब होगा? ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कलर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जनवरी 2024 में अपना जेईई मेंस का एग्जाम हो जाएगा। आज से इस 1 नवंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग 30 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और जो टाइमिंग है अपने पास 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक अप टू 9 PM तक का टाइमिंग है आप लोगों के पास। ठीक है, लास्ट डेट फॉर दी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो भी आपको 30 नवंबर के पहले ही करना है। यहाँ पे टाइमिंग दिया है लगभग 11:50 से पहले। उसके बाद अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट कभी होगा, एग्जामिनेशन सिटी का आपका सेंटर वगैरह कहाँ लगेगा ये सब आपको बताया जाएगा। सिटी बताए जाएंगे जनवरी के सेकेंड वीक में, और एडमिट कार्ड आएगा आपका एक्चुअल जो आपका एग्जाम डेट होगा उसके 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ओके, उसके बाद एग्जाम का जो डेट था वो तो हम लोगों को पहले से बता था कि 24 जनवरी से लेके 1 फेब तक होगा। उसके बाद आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे क्या होगी मिल जाएगी। दूसरा है जेई का जो सेकेंड सेशन स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होने वाला है, ऑनलाइन सबमिशन अप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम दी 2 फेब। 1 फेब को आपका फर्स्ट सेशन खत्म होगा और 2 फेब से लेके 2 मार्च तक आप लोगों का सेकेंड सेशन का फॉर्म फिलअप क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये डेटा आपको वहां पे एनटीए के वेबसाइट पे क्या होगा मिल जाएगा। जो हम लोगों का सबसे बड़ा अपडेट है, बड़ा अपडेट क्या है कि भाई सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है इसका मतलब है कि क्या टफनेस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? तो भाई अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली टफनेस भी बढ़ेगा और पेपर का जो स्टिकनेस है वो भी थोड़ा सा शायद बढ़ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, चलते हैं सिलेबस वाले इस पे। बाकी बीच में वो सब इंफॉर्मेशन है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है क्या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन बीच में लिखी गई है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जब वीडियो खत्म होगा तो मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप यहाँ से क्या कर लेना, उस लिंक को कॉपी कर लेना, तो आपको भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बच्चों का सबसे बड़ा बर्डन था वो था सिलेबस, तो हम लोग सीधा सीधा सिलेबस पे चलते हैं। और कमेंट करके लिखना कि सिलेबस रिड्यूस होने से आप लोगों को खुशी हुई है या दुख हुआ है। ठीक है, पूरा 113 पेज का ये पीडीएफ है गाइस, यहाँ पे सिलेबस एकदम नीचे दिया है, इसके बीच में रूल्स रेगुलेशंस, आप कैसे फॉर्म भर रहे हैं, क्या सिटी कोड है, ये सारी चीजें वहां पे दी गई है। तो हम लोग वो सब नहीं देख रहे, हम लोग सिलेबस पे चलेंगे। सिलेबस सिलेबस तो
आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार डाउनलोड करके ये सारे जो इंफॉर्मेशन है क्या है कैसे है, तो वर्चुअल कीपैड कैसा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है, कितना फीस लगेगा, कैसे रहेगा, बॉयज़ के लिए क्या फीस है, गर्ल्स के लिए क्या फीस है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे है। तो मेन एजेंडा है वो एजेंडा था सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे यूट्यूब पे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कब होगा, कैसे होगा और क्या क्या रिड्यूस होगा, तो ये लिखिए, हम लोग आ गए। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सिलेबस वाले पॉइंट पे। तो अगर हम लोग सिलेबस देखेंगे, सिलेबस फॉर जेई मेंस पेपर 1 बी और बीटेक के लिए, जिसके अंदर अपने पास तीन सब्जेक्ट होता है, पीसीएम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक बार देख लेते हैं क्या क्या रिड्यूस हो चुका है और नया सिलेबस क्या अपडेट हुआ है। तो मैथ्स में आपके पास सेट्स एंड रिलेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। और गाइस पढ़ते समय एक बार ये यहाँ पे जो उन्होंने लिख के दिया है कि उसके अंदर भी आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक भी क्या पढ़ना है, ये भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन यहाँ पे मैट्राइसिस है, डिटर्मिनेंट भी है अपने पास, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, बाइनोमियल थ्योरम है अपने पास, सॉरी, सिक्वेंशियल सीरीज है, लिमिट कंटिन्यूटी ये भी है, देन इंटीग्रल कैलकुलस भी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पास, उसके अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, कॉनिक सेक्शन आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कॉनिक सेक्शन निकाल नहीं सकते भाई, मैथ्स में इंपॉर्टेंट होता है वो। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, वेक्टर अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैथ्स में लगभग अपने पास टोटल 14 यूनिट्स है, और उस 14 यूनिट्स के अंदर भी अगर हम लोग इस को अगर अच्छे से देखेंगे तो बीच बीच में से भी और कोई टॉपिक्स क्या किए गए, रिड्यूस किए गए हैं, तो मे भी ये तीन बच्चों को हेल्प कर सकता है, कुछ बच्चों को नहीं भी कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी चैप्टर का कनेक्शन बैठता होगा। ये 14 चैप्टर्स, 14 यूनिट्स मैथ्स के लिए दिए गए हैं, इसके पहले इससे थोड़ा ज्यादा हुआ करते थे, तो अभी निकाल दिए गए हैं। बात कर लेते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में एज सच इतना सारा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो भी चेंज हुआ है वो ज्यादा करके केमिस्ट्री में हुआ है। फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स है अपने पास, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर आ गया यूनिट 4, यूनिट 5 है रोटेशनल मोशन। तो इसके अंदर भी जो भी टॉपिक्स लिख के दिया उसी टॉपिक को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना। सो कोई टेंशन लेने वाली इतनी ज्यादा बात नहीं है, सिर्फ रिडक्शन की वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा सा, जहां तक मुझे लग रहा है कि पेपर का आस्किंग जो होगा वो थोड़ा सा टफनेस बढ़ जाएगा और कंपटीशन और बढ़ जाएगा। ग्रेविटेशन है, दिन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, थर्मोडायनामिक्स है, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ऑसिलेशन एंड वेव्स है अपने पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, देन करंट के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो फिजिक्स में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। ऑप्टिक्स है और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस भी है अपने पास, एटम एंड न्यूक्लियाई, और ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये लास्ट में आ गया है अपने पास एक्सपेरिमेंट स्किल, ठीक है, जो हम लोग लैब वगैरह में सीखते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम कैसे वर्क करता है, तो ये लैब में और प्रैक्टिकल लैब में भी सिखाया जाता है और थ्योरी लेक्चर्स में भी होते हैं।
तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मेरे वाले सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री। ठीक है गाइस, तो अपना केमिस्ट्री है। तो अगर केमिस्ट्री में देखेंगे तो जो सबसे पहला चैप्टर अपने पास आ गया वो आ गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपके मोल वाले जो कॉन्सेप्ट है वो सब आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या अपने पास मोल कॉन्सेप्ट है, केमिकल इक्वेशंस है, स्टाइक्योमेट्रिक है, लॉज है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए फिर से क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला ये टॉपिक आ गया जो सबसे मस्त टॉपिक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर तो होना ही था, क्योंकि इसको निकाल नहीं सकते, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या क्या देखना है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन देख लेना है, पोस्टुलेट्स देख लेना है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर देख लेना है, किंग्सबर्ग थ्योरी देख लेना है। तो ये सारे की सारी चीजें एटॉमिक स्ट्रक्चर में एज इट इज लगभग वैसे के वैसे ही है। केमिकल बॉन्डिंग जो जेई एस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इसके, और जो क्वेश्चंस होता है वो टैकल करना भी काफी आसान होता है। तो थैंक गॉड जेई वालों ने इसको रखा है। देन अगर हम लोग केमिकल थर्मोडायनामिक्स बात करेंगे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी रखा गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रखा गया है, क्या बात है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रखा गया है, बहुत सही, ये चाहिए था। अब आ जाते हैं वह सॉल्यूशंस में आ जाते हैं। सॉल्यूशंस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मोलालिटी मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ये सब भी आ गया है। आइडियल नॉन आइडियल आ गया, वेपर प्रेशर आ गया, प्लॉट्स ऑफ आइडियल नॉन आइडियल ये भी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, क्या बात है, बहुत सही। तो सॉल्यूशंस में से इतना ज्यादा कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, तो सोल्यूशन तो बहुत बढ़िया है। अब इक्विलिब्रियम में आते हैं, तो गैस इक्विलिब्रियम में दो पार्ट है, एक होता है अपना नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अपने पास आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिजिकल प्रोसेस दिया है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेस, लॉस दिया है, डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट का रिलेशन पूछा है, केपी एंड केसी के बारे में पूछा हुआ है। ओके चलिए, आयोनिक इक्विलिब्रियम में वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस, वो तो है, पीएच एंड पीओएच का कॉन्सेप्ट भी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी है एंड बफर सॉल्यूशन भी है। तो इसमें से भी आज से जितना ज्यादा रिड्यूस नहीं किया गया है। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब दिया गया है, वाह 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 क्या बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैलियोनिक सेल दिया है, नर्स इक्वेशन है क्या यहाँ पे, यस नर्स इक्वेशन है, तो नर्स इक्वेशन भी दिया गया है, तो बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, आ जाते हैं अपने प्यारे से चैप्टर में, जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, तो इसमें रेट फैक्टर ओहो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल ओके, इसके अंदर से भी इतना ज्यादा एसेज रिड्यूस नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में से गायब हो गया आपका सॉलिड स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर के पहले के, हालांकि जेई मेंस 2023 में अगर हम लोग देखें स्टेट्स ऑफ मैटर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, तो 24 वाले में से स्टेट्स ऑफ मैटर ही निकाल दिया गया है, क्या बात है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सॉलिड स्टेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सॉलिड स्टेट भी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत सही, तो सॉलिड स्टेट भी नहीं है इसके अंदर, स्टेट्स ऑफ मैटर भी नहीं है। चलिए अच्छी बात है, स्टेट्स ऑफ मैटर चला गया, सॉलिड स्टेट चला गया एंड सरफेस, सरफेस भी नहीं दिखाई दे रहा, वाह वाह सरफेस भी चला गया। तो तीन चैप्टर यहां से चले गए, पहला कौन सा चला गया है, थोड़ा सा हमारा पीसी स्लो चलता है, तो सॉलिड गया, मैटर चला गया है एंड सरफेस चला गया, सरफेस भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका पूरा आ जाएगा,
उसके अंदर आपके छोटे छोटे कंसेप्ट है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, केमिकल रिएक्टिविटीज वगैरह के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिर आ जाते हैं यूनिट 10, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे मुझे एस ब्लॉक का नाम नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब है कि एस ब्लॉक भी नहीं है। पीसी स्लो है अपना। तो एस ब्लॉक भी नहीं है इसके अंदर। चलिए, तो एस ब्लॉक निकाल दिया है, और हाइड्रोजन का भी मुझे नाम नहीं दिखाई दे रहा, तो हाइड्रोजन भी निकाल दिया है, क्या बात है। बी ब्लॉक में आपके पास ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक पढ़ना है। अब पढ़ना क्या, देखिए ये भी बता दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंट्रेंट्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है, दैट इज नोन एज, आई थिंक दैट इज नोन एज एनामोलस बिहेवियर। बात कर लेते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों को हाइड्रोजन और एस ब्लॉक इनऑर्गेनिक से निकाल दिया गया है, तो हाइड्रोजन भी निकाल दिया गया है, मतलब टोटल 5 चैप्टर अब तक जा चुके हैं। बात कर लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, उसके अंदर अपने पास जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिजिकल आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो जो नॉर्मल ट्रेंड से वही, उसके बाद प्रिपरेशन है K2Cr2O7 एंड KMO4 का, दैट इज KMnO4 का। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनाइड्स में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हालांकि बहुत छोटा कर दिया इन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट होता है पढ़ने के लिए, ठीक है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक ही लग रहा है। उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन में, इसको निकाल नहीं सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में अपने पास सब कुछ आ जाएगा, वर्नर थ्योरी आ जाएगा, ठीक है, बॉन्डिंग आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाएगा, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज इट इज पड़ी हुई है। IUPAC नॉमनक्लेचर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी JEE एक्सपेक्ट के हिसाब से। बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक में, चलिए ऑर्गेनिक में देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहला प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आ जाएगा, इस क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा इसके अंदर, यस एक ही क्वेश्चन आता है इसका हमेशा। उसके बाद सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर रिड्यूस हो चुका है, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, इनके बारे में बातें करना है आपको इसके अंदर। देन कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, IUPAC क्या होता है, फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बात करना है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। देन कॉमन टाइप, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में बातें करना है। तो ये तो एज इट इज वैसे ही दिख रहा है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में और सब टॉपिक्स होते हैं, अल्केन होता है, अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, एरोमेटिक होता है, तो एज सच वो एज इट इज दिखाई दे रहा है। अल्केन में अगर देखेंगे तो कन्फर्मेशन आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है एंड मैकेनिज्म ऑफ एलोजिनेशन ऑफ अल्केन के बारे में पढ़ना है, तो बाकी सारी चीजें हटा दी गई है। और अल्किन में ज्योमेट्रिकल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और उसके बाद मार्कोनिक्स ऑफ रूल, ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ना है, क्या बात है। अल्काइन्स में एसिडिक कैरेक्टर पढ़ना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हैलोजन पढ़ना है एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ना है, तो काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है इसके अंदर से भी। एरोमेटिक में नॉमनक्लेचर, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, फेडलक्राफ, अल्कालेशन, एसाइलेशन एंड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है, क्या बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ CH बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बात है। एंड उसके बाद DDT, फेरॉन्स, इसके बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, उसमें आपके पास अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स है, क्या पढ़ना है, जनरल प्रिपरेशंस पढ़ लेना है, प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है, रिएक्शंस एंड यूजेस है, तो वो एज इट इज है। अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन पढ़ना है, फिनॉल का एसिडिक नेचर पढ़ना है, ईथर का स्ट्रक्चर पढ़ लेना है।
देन एल्डिहाइड कीटोन में एज इट इज वही है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लेना है, बोल क्रिस्टनर पढ़ लेना है, अल्डोल कंडेंसेशन भी है, कैनिसारो भी है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने रखे हैं, थैंक गॉड निकाला नहीं इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए क्या पढ़ना है, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग, वाह वाह क्या बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेना, प्रॉपर्टीज देख लेना, रिएक्शन देख लेना, उसके बाद नॉमनक्लेचर और बेसिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, डायजोनियम भी देख लेना है, बायो मॉलिक्यूल रखा है, अब तक हम लोगों को पॉलीमर नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब है कि पॉलीमर निकाल दिया गया है। बायो मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, वाइटामिन पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, तो काफी इजी है ये भी। उसके बाद प्रिंसिपल रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, मोर सॉल्ट वगैरह देख लेना है, तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री में, तो अच्छा खासा रिड्यूस किया गया इस केमिस्ट्री में, यहाँ से मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो चुकी है, पॉलीमर चला गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चला गया। अगर मैं गिनाऊ यहाँ पे क्या क्या गया, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर हाइड्रोजन, उसके बाद आपका चला गया सॉलिड स्टेट, उसके बाद चला गया सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री के बाद हम लोग आ जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट चला गया, हाइड्रोजन चला गया, उसके बाद आ जाएंगे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चला गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है केमिस्ट्री में। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो अब जो पेपर आएगा वो पेपर बहुत अच्छे लेवल का होगा, इसके पहले भी बहुत अच्छे लेवल का हुआ करता था, लेकिन रिड्यूस करने की वजह से क्या हो गया है कि अब थोड़ा सा जो टफनेस लेवल होगा और इंक्रीज हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब वो तो फर्स्ट सेशन जब होगा अपना तो उसमें पता चलेगा कि क्या होगा। तो दैट्स इट गाइस, ये था टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एग्जाम डेट एंड सिलेबस रिडक्शन, ठीक है। पेपर पैटर्न अभी भी वैसे ही है, दो सेक्शन में होगा, सेक्शन ए होगा एंड सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको मैक्सिमम 5 क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, और ये टोटल जो मार्क्स होगा वो 100, तो आपका जो जेई मेंस का पेपर होगा वो लगभग 300 का होगा। ठीक है, तो देर मत करिए, फटाफट जो भी बच्चे जेई देना चाहते हैं वो फटाफट अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दीजिए, सिलेबस आपके सामने आ चुका है, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस।